फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हो मेरा अपना यूट्यूब चैनल रिसर्च एरिया वेब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक न्यू टॉपिक्स जिसके बारे में आप सब ने ऑलरेडी सुना ही होगा, वो है सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया। जैसे हम जानते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स का, सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया का यूज़ आजकल हर कोई कर रहा है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे हाउस वाइफ हों, चाहे वो जॉब्स वाले हों, चाहे बिजनेस में हों, चाहे वो एजुकेटेड हों, चाहे अनएजुकेटेड, एवरीवन यूज़ नाउ इट एज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के हमने बहुत सी चीज़ें सुनी हुई हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सोशल मीडिया के क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया एंड व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज मीडिया, व्हाट इज़ पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड व्हाट इज़ नेगेटिव एस्पेक्ट। क्योंकि जो मेरी रिसर्च रही है, मेरी रिसर्च सोशल मीडिया पे रही है और मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी रिसर्च करी, काफ़ी लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ उनके आंसर आए, तो उन सबको एनालाइज करके मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए। उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आईं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आईं, तो वो सब मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे हम जानते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट बताऊँगा, जैसे यू कैन फाइंड और कनेक्ट विथ एनी वन अराउंड द वर्ल्ड। आप किसी भी इंसान को फाइंड कर सकते हो, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, ना आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो अराउंड द वर्ल्ड, किसी भी जगह पे, ना। तो ये हम बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है, बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अपने दोस्तों से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने पुराने दोस्तों को ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। दूसरा एडवांटेज होता है, इट्स मोर कन्वीनियंट फॉर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो ट्रेडिशनल मेथड्स है कम्युनिकेशन की, उसके हिसाब से जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। जैसे कि पहले के हिसाब से हमें कहीं किसी से बात करना रहती थी, हम लेटर्स वगैरह लिखते थे, पर नाउडेज ऑन अ हैंड, हमारे एक हाथ में, एक हैंड में मोबाइल है, जैसे हम विद इन अ वन सेकेंड हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा अच्छी है ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन से जो पहले चलती थी। तीसरा हमारे पास है कि बिजनेस यूज़ सोशल मीडिया टू टारगेट स्पेसिफिक ऑडियंस। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया से लोग बिजनेस कर रहे हैं, मतलब बिजनेस कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू हमें एक टारगेट मिल जाता है कि इतने यंगस्टर हैं, इतने ऑयल हैं, इतने मीडियम क्लास के हैं, इतने सीनियर क्लास के हैं, ना इस तरह से एक टारगेट मिल जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को, जो हमारी जो चीज़ें हैं उनको हम सेल कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बिजनेस के हिसाब से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। हम देखते होंगे हर सोशल मीडिया वेबसाइट पे आप जो यूज़ करते होंगे उसमें एड्स दिखाई देते हैं। तो ये एड्स आपके पास कैसे आते हैं, ये क्या होता है कि इनको पता है कि आप किस एज ग्रुप्स के हो ना, आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है ना, तो ये उस हिसाब से आपको एड्स आते हैं, क्योंकि ये टारगेट कर रहे हैं आपको ना? तो ये है कि बिजनेस स्ट्रेटजी है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया के हिसाब से। और हमारे पास फोर्थ चीज़ है, मैनी जॉब्स आर क्रिएटेड इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स। बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स से, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, बहुत सारे नए आ रहे हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये कंपनीज आई हैं जिससे कई लोगों को जॉब्स मिली है। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छा बेनिफिट रहा है अनएम्प्लॉय के लिए, क्योंकि वो उनको इसमें कुछ जॉब्स भी मिली हैं, एक नई रिक्रूट हुई है इसमें। लास्ट हमारे पास है कि हम इससे अपने जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं, स्पेशल इवेंट्स को हम दूसरों से शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। जैसे हमारी बर्थडे पार्टी हो गई, हमारी मैरिज एनिवर्सरी हो गई, हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी खुशी किसी को दिखाएं, तो ये एक अच्छा साधन है लोगों को अपनी खुशी में शामिल करने का।
ये तो हो गए कुछ इसके एडवांटेज, और हर एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, क्योंकि अगर डिसएडवांटेज नहीं होंगे तो हम लोग अपडेट कैसे होंगे ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए कि अच्छी चीज़ें हैं तो उसके साथ उसमें से फाइंड की जाएँ कि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। तो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है वो हम देखते हैं कि सबसे पहला नेगेटिव एक्ट है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है कि अनयूजुअल किसी को मैसेज करना, मतलब हर्ट करना ना, उनके उनको मैसेज करके, उनको पोस्ट करके, वो साइबर बुलिंग कहलाती है ना। क्यों सोशल नेटवर्किंग में एक मेन डिसएडवांटेज है कि अनयूजुअल ऐसे मैसेज आते हैं जिससे इंसान हर्ट होता है, उसे बोलते हैं साइबर बुलिंग। दूसरी चीज़ आती है डिक्लेयर प्रोडक्टिविटी, लोग अपने कामों में ध्यान नहीं देते, वो मैनी आवर्स इसमें गुजार देते हैं, बहुत सारे घंटे इसमें वेस्ट कर देते हैं, तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, चाहे वो उनका वर्क हो, चाहे वो उनकी एजुकेशन हो, वो लेस हो रही है, वो रुक गई है, स्टॉप हो गई है, स्टॉप हो जाती है जब वो यूज़ करते हैं सोशल नेटवर्किंग। क्योंकि जब सोशल नेटवर्किंग का यूज़ करने बैठते हैं तो पता नहीं चलता है कितनी देर उन्होंने इस पर टाइम गुजार दिया। तो ये एक दूसरा डिसएडवांटेज है सोशल नेटवर्किंग साइट का, कि एक क्या है कि डिक्रीज़ हो रही है प्रोडक्टिविटी। दूसरा है फॉल्स कनेक्शन हो जाता है, फॉल्स सेंस कनेक्शन, हम नहीं चाहते किसी से कनेक्ट होना, बट बिकॉज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट से गलत लोग हमसे जुड़ जाते हैं ना, उससे हमें हार्म होता है। हमारे जो स्कूल स्टूडेंट हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, उनको हार्म होता है, इससे नुकसान है। तो ये फॉल्स कनेक्शन भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हम जिनसे नहीं मिलना चाहते इसके थ्रू वो हमारे सामने हमसे कम्युनिकेट करते हैं, तो ये फॉल्स कनेक्शन है। तीसरा होता है प्राइवेसी इश्यूज़। प्राइवेसी इश्यूज़ बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, हम अपने इसमें पिक्चर्स डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, अपनी और भी जो प्राइवेसी होती हैं, प्राइवेसी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो डालते हैं, लेकिन वो अनयूजुअल हाथों में चले जाती हैं, जिनको नहीं चाहते उनके पास ये पहुंच जाती हैं। तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स का। उसके बाद हम ये बोलना चाहते हैं कि ऑल इन सोशल मीडिया इज़ अ वेरी यूज़फुल, सोशल मीडिया बहुत ही यूज़फुल प्लेटफॉर्म है ना सभी के लिए, बट मस्ट बी अवेयर, पर हमें जो भी करना है वो अवेयर होकर करना है ना, क्योंकि ये एक तरह का वेरी बहुत बड़ा एडवांटेज है सोशल नेटवर्किंग के थ्रू, हम लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, हमें उसमें जॉब्स मिल रही हैं, हमें ऐसी चीज़ें, ऐसे वीडियोस कंटेंट हमें अपने फ्रेंड से मिल जाते हैं जिससे हमें सीखने को मिलता है। मैं आपको और भी एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ये मेरा पर्सनल एग्जांपल है, सोशल नेटवर्किंग से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, जो आपको नहीं भी आता है वो आप बस होना हैंड क्लिक करोगे वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, आपको ना ट्यूटर के पास जाने की ज़रूरत है ना किसी एक्सपर्ट के पास जाने की, आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अच्छी अच्छी चीज़ें सोशल नेटवर्किंग से आप देखिए, उसका यूज़ करिए, पर अवेयर होकर यूज़ करिए। ओके गाइस, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर आपके लिए और ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, इस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, और मैं आप चाहो तो मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, मेरे ब्लॉग्स पे भी जा सकते हो, मैंने इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ है ना, और मैं इसके आपको नोट्स भी बताऊंगा। ओके गाइस, हैव अ गुड डे, थैंक यू।